को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया है। इस मौके पर आईआरडीटी सभागार सर्वोच्चौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने भी प्रतिभाग किया है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधन में कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार किया है और इससे नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में भी हुआ है। सत्तर विधानसभाओं के जो हमारे शक्ति केंद्र हैं 2364 सभी शक्ति केंद्रों पर जो हमारे सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वर्चुअल केवल संबोधन ही नहीं किया अपितु हमें एक स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान की है। आज अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की दृष्टि से एक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, वो सारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, क्योंकि बूथ के इंचार्ज के तौर पर एक प्रकार से आपको देखा जाता है, आप उस काम को करेंगे, ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है और उनके जो ऐसा हमें मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता और उत्साह के साथ 2022 के उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगेगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनका उद्बोधन हमेशा से प्रेरणादायी रहता है और आज उन्होंने जिस प्रकार से हमारे केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है और नित नए आयाम विकास के यहाँ पर स्थापित हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने भी जो पिछले 4.5 वर्षों में काम किए हैं और साथ में हमारे संगठन का जो निचले स्तर तक यानी कि पन्ना प्रमुख तक जो हमारा संगठन है, उस सभी में ऊर्जा आई है और सभी में उत्साह आया है और निश्चित रूप से उनका उद्बोधन हमारे लिए पाथे का काम करेगा और तेजी से हमारा संगठन और हमारी सरकार काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश भर के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को वर्चुअली संबोधित किया, जिस कड़ी में डोईवाला विधानसभा में ग्रांड रेनापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही विधानसभा के प्रभारी संदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड स्थित चारधाम सहित गंगा यमुना को नमन किया, साथ ही उत्तराखंड के विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में भी विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण परिवार में पैदा हुए हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, यही लोकतंत्र की मजबूती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच आकर मेरा मनोबल बढ़ता है। कार्यकर्ताओं ने जहां भाजपा को चुनाव जिताया है, साथ ही कोरोना काल में बेहतर कार्य भी किया। मेरा बूथ कोरोना मुक्त के तहत भी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव जीतने में हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी मुख्य भूमिका में हैं और लगातार रहेंगे। आगामी 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव की दृष्टि से आज की वर्चुअल बैठक जो शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हो रही है डायरेक्ट वर्चुअल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन सब शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले चुनाव का मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाला 2022 का चुनाव जीतें। डोईवाला विधानसभा के 44 शक्ति केंद्र हैं और 44 शक्ति केंद्रों के सभी लोग शक्ति केंद्र के संयोजक और शक्ति केंद्र के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अपने विधानसभा के प्रभारी चुनाव संयोजक सभी लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। 70 विधानसभाओं में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और जिसमें कि हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी शक्ति केंद्र के संयोजक हैं जो लगभग प्रत्येक विधानसभा में 100 से 120 तक हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और प्रत्येक बूथ पर जो हमारा सत्यापन कार्य हुआ कि प्रत्येक बूथ पर 25 कार्यकर्ता हमारे रहते हैं और जो प्रदेश सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर के बताते हैं
और भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं को जाकर के बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसी बलबूते पर हम इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 250 से ज्यादा यात्रियों को ई पास मिलने के बाद भी स्लॉट बुक हो जाने के कारण बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं मिली, उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक लिया गया। यात्रियों ने यात्रा व्यवस्था में ई पास जारी होने और यात्रा पर आ रहे यात्रियों की वास्तविक स्थितियों पर कोई व्यवस्था न होने पर आक्रोश जताया। रोके गए यात्रियों का कहना है कि ऋषिकेश से यहां तक आ गए लेकिन रास्ते में हमें कोरोना जांच के प्रपत्र के या वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब यहां हमें रोका जा रहा है। तो 250 यात्रियों को प्रशासन ने वापस भेजा है, जिससे नाराजगी यात्रियों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बद्रीनाथ यात्रा के यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा नहीं मिल रही है। ई पास के बाद भी यात्रा में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पांडुकेश्वर में ही जो यात्री हैं वो रोके गए हैं, जिससे उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में तैनात एक स्वास्थ्यकर्मी की एक महिला ने जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। बाद में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा काफी मांगने पर भी मामला रफा दफा कर दिया गया, तो काफी देर हो गई थी, लगातार वो माफी मांग रहा था। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे बात निकलकर सामने आई है और आग की तरह फैल गई। हालांकि मामले की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जिला अस्पताल में तैनात महिला ने स्वास्थ्य कर्मी को अस्पताल के गेट में जमकर धूं दिया। बताया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल की एक महिला सफाई कर्मी को अक्सर कॉल करके परेशान करता था। महिला सफाई कर्मी से कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। परेशान होकर महिला सफाई कर्मी ने मामले की शिकायत अस्पताल की अन्य महिला से की, जिसके बाद उसने उस महिला के लिए भी अभद्र बात बोली, जिसका पता चलने पर उस महिला ने दूसरी महिला के साथ मिलकर उस स्वास्थ्य कर्मी को जिला अस्पताल के गेट पर चप्पलों से पीट दिया, जिसके बाद वो स्वास्थ्य कर्मी घुटनों पर बैठकर उन महिलाओं से माफी मांगता हुआ भी नजर आया, जिसे देखकर वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बीच बचाव करने के लिए काफी लोग मौके पर पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों के बीच बचाव के बाद ही इस मामले को रफा दफा किया गया। वही मामले की पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। इस बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला सफाई कर्मी को लगातार स्वास्थ्य कर्मी परेशान कर रहा था और जब स्वास्थ्यकर्मी ने महिलाओं की बात नहीं मानी तमाम समझाने के बावजूद भी, तो महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला थप्पड़ जड़ती हुई नजर आ रही है और वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पौड़ी जिले के दुरुस्तपीठ सेन क्षेत्र में 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि में पहुंच रहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जिले के दुरुस्त क्षेत्र पीठ सेन और थैली सेन में तमाम गाँव में पहुंचकर लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने में जुटे हुए हैं। दरअसल प्रस्तावित दौरे के तहत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के गांव पहुंचकर 1 अक्टूबर को स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर 3 करोड़ की लागत से बनी स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक द्वार और उनकी मूर्ति का अनावरण करने पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी जुट गए हैं। गाँव गाँव जाकर धन सिंह रावत लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं इस दौरान धन सिंह रावत को गाँव में जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान हो रही लगातार बातचीत में कहा गया है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा के जिला महामंत्री पौड़ी जगत किशोर भरतावल भी रक्षा मंत्री के दौरे से खासे प्रभावित हैं और आमजन से वे इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने की लगातार अपील कर रहे हैं। हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं
और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी के याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा। हमारा सौभाग्य है कि 1 अक्टूबर को हमारे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे पौड़ी जनपद के जो दूरस्थ क्षेत्र है थैलीसैंण ब्लॉक का जो पीठसैंण जो भाग है वहाँ पर वे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य वहाँ पर होने हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उत्तराखंड की सरकार का जिन्होंने इस पूरे कार्य में सहयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ धन्यवाद भी देते हैं उस विधानसभा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कि जिनके प्रयासों से ये इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होने वाला है। वहाँ पर उस दिन जो स्वरोजगार की तरफ जो महिलाएं अपना कार्य कर रही हैं, उन स्वयं सहायता समूहों को भी जो बिना ब्याज का ऋण है वो भी वितरित होना है, और साथ ही साथ एक बहुत बहुआयामी योजना है क्योंकि पहाड़ों में महिलाएँ ज़्यादा हैं और स्वाभाविक तौर पर महिलाओं का जीवन थोड़ा कठिन भी इन पहाड़ों में है, उनके लिए उनको घसियारी किट भी उस दिन दी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से वृहद तैयारियां की जा रही, क्योंकि उस दिन आदरणीय रक्षा मंत्री जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष मदन कौशिक जी भी वहाँ पर रहने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर यह हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद क्षण है। हमारा हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ उस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान पूरी निष्ठा के साथ देने वाला है। इसमें कुछ कितना फायदा मिलेगा स्थानीय लोगों को से रोजगार से वहाँ पे? देखिए, इस समय जो एक मुहिम चलाई गई है, कम से कम क्योंकि शुरुआती दौर में श्रीनगर विधानसभा से की गई है, उसमें जो स्वरोजगार है, देखिए सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि इस समय करीब 22,000 रिक्त पद निकाल रही है, लेकिन उन रिक्त पदों से हम सभी को रोजगार नहीं दे पाएंगे। हमें स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, और उसी तरफ सरकार एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर, क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था है लगभग महिलाओं पे हम लोग आश्रित रहते हैं, तो उनके लिए बिना ब्याज का जो ऋण है सहकारी विभाग की तरफ से वो उस दिन वो दिया जाने वाला है, और बहुत सारे समूह उस दिन 5 लाख तक का जो ऋण है वो दिया जाएगा। और धीरे धीरे देखिए, आपको पता है सहकारिता में भारत ने विश्व को अपना ये दिखाया है कि हम वाकई सहकारिता के साथ अगर जुटते हैं तो हम विश्व की अग्रणी कंपनी बन सकते हैं। जैसे अमूल आपने देखा होगा, लिज्जत पापड़ आपने देखा होगा, स्वाभाविक तौर पर वही कल्पना यहाँ भी की जा रही है कि जो महिला समूह है अगर वो कर्मठता के साथ कार्य करते हैं और उन्हें हम सरकारी तौर पर सहयोग मिलता है तो हमें उम्मीद है कि कल हम भी अपने उत्तराखंड में इसी तरह का कोई ब्रांड तैयार कर पाए। लक्सर के स्वामी समानदास श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रविदास आश्रम पुरवाला बिरसंगपुर में समानदास श्री महाराज का 105वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर महाराज जी के जन्मोत्सव और सत्संग में भाग लिया। वहीं आश्रम में रहने वाले महाराज मेघराज दास ने बताया कि 2010 से उनके द्वारा समानदास श्री महाराज का जन्मदिन इसी आश्रम में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि उसी क्रम में आज भी समानदास जी महाराज का 105वां जन्मदिन उनके द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सद्गुरु स्वामी समानदास जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने बताया कि वो काफी लंबे समय से समानदास जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उन्हें मानते हैं, और आज वो समानदास जी महाराज के जन्मदिवस पर आशीर्वाद लेने आश्रम भी पहुंचे हैं। तो सत्संग में शामिल हुए तमाम श्रद्धालु समानदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ, ऐसे में आश्रम में तमाम लोग उमड़ रहे हैं। आज ये प्रोग्राम अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष जो परम संत शिवमणि की उपाधि से निवाजे गए हैं, समय के सतगुरु स्वामी समानदास जी महाराज के करकमलों द्वारा ये आज से नहीं यहाँ पर सन 2010 से चल रहा है, यहाँ उनका आश्रम है और प्रेमियों ये जो है आज उनका जन्मदिवस 105वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। समानदास जी महाराज जो
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वहाँ उनके अनुयायी हैं और हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हम काफ़ी लंबे समय से गुरु समनदास जी को ही मानते हैं और उनके अनुयायी हैं, उनके बीच आए हैं। आज क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा, उनके बीच इसलिए आए हैं हम लोग। नशे के तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार एक्शन मोड में हैं। चाहे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने की बात हो या फिर अवैध नशे का कारोबार करने वालों के प्रति कार्रवाई की हो, वो हर समय इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। जनपद उत्तरकाशी से अवैध नशे को जड़ से खत्म करने के लिए उनके द्वारा नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गत रास्ते में क्षेत्राधिकारी बड़कोट अनुज के पर्यवेक्षण और अशोक कुमार चक्रवर्ती के नेतृत्व में टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा स्थान ग्राम रिखाऊ जाने वाली सड़क डामटा के पास से एक व्यक्ति को 1 किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह अवैध अफीम उसने नैनबाग की तरफ एक व्यक्ति से लाया है, जिसका नाम पता उसको मालूम नहीं। माल को वह नेटवाड़ी सांकरी में बेचने के लिए लाया था। मामले में और अधिकारी जानकारी लगातार जुटाने में जुटे हुए हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना पुरौला पर NDPS एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप बता दें कि लगातार उत्तरकाशी में नशा तस्करों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हो रही है। नशा तस्कर लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में जिस तरह से लगातार युवाओं को नशे का आदि बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इससे पूछताछ हुई, इसके बैग में क्या है। इसने बैग खोलकर दिखाने से मना किया और भागने लगा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया और चेकिंग से ये पता चला कि ये अफीम लेकर जा रहा है। पूछताछ में इसने बताया कि नैनबाग के किसी जगह पर एक आदमी से इसने ये अफीम खरीदी थी और मोरी थाना क्षेत्र में यह इसे लेके जा रहा है और उसी थाना क्षेत्र का निवासी भी रहने वाला है, उसी थाना क्षेत्र का निवासी भी है। पूछताछ से अभी इसका कोई पुराना इतिहास नशे के अवैध व्यापार से संबंधित इसका कुछ पता नहीं चला और जानकारी की जा रही है। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2.5 लाख रुपए है। उत्तरकाशी में भी इस अफीम की खेती वगैरह अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि उत्तरकाशी के किसी क्षेत्र में अफीम उगाई जा रही है या होती है। इस प्रकार के प्रकरण के बाद पता किया जा रहा है कि क्या ये किसी क्षेत्र में अगर ऐसी खेती होती है तो उनकी जानकारी ली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद से धनौली रोड स्थित पथरी रोह पर चलती बाइक से उतरकर एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। महिला को नहर में कूदता देख बाइक सवार भी महिला को बचाने नहर में कूद गया। दो ऑटो चालकों ने बमुश्किल महिला और युवक को बचा लिया। बहादुराबाद पुलिस ने दोनों को निजी वाहन से अस्पताल भेजा है। महिला और युवक देवर भाभी हैं। बुधवार सुबह निशा पत्नी जगदीश संजय पुत्र मुकुंदी सिंह निवासी खाला टेरी थाना सिडकुल गडमीरपुर से होकर बहादुराबाद दवाई लेने जा रहे थे, तभी जैसे ही मोटरसाइकिल पथरी रोड पर पहुंची, बाइक पर पीछे बैठी निशा चलती बाइक से उतरकर नहर में कूद गई। निशा के पीछे उसका देवर संजय उसे बचाने के लिए कूदा, जबकि संजय को तैरना नहीं आता था। रास्ते से गुजर रहे दो ऑटो चालकों ने नहर से दोनों को बामुश्किल बचा लिया है। थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि महिला दिमागी रूप से परेशान है। ऑटो चालक शाहरुख और परवेज निवासी गर्मीपुर ने दोनों को बचा लिया है। फिलहाल दोनों को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।